गुड मॉर्निंग। आवाज जा रही यस सर, गुड मॉर्निंग। सर, आपकी तबीयत नहीं सही थी क्या? थोड़ी प्रॉब्लम। ये पिछले मतलब काफी समय हो गया बीच में। कहाँ पे थे हम लोग? ये एस नंदा गोपाल लिख रहे थे हम लोग। थोड़ा सा साउंड तेज करो, आवाज नहीं आ रही। नहीं, सर, एस नंदा गोपाल लिख रहे थे। सर, एस नंदा गोपाल लिख रहे थे, कहाँ तक हो गया था? ये लास्ट हम लोगों ने लिखा था, इनके इन्होंने बोला था कि शिफ्टिंग नरेशन मूर्तियों के लिए अनुष्ठान छवि 1978 के बारे में आपने कहा, वर्चुअल इमेज साक्षात्कार में कहा कि मैं उन परिवर्तनों को देखना चाहता था कि एक छोर पर कितना वजन लिया जा सकता है। मैं ये भी देखना चाहता था कि मैं अपनी दूरी को कितनी दूर तक फैला अपनी सकता हूँ। धुरी को कितनी दूर तक फैलाया फैला जी सकता सर, हूं। मैं यह भी देखना चाहता था कि मैं अपनी धुरी को कितने दूर तक फैला सकता हूं। ये लिखा है, फिर से देखो एक बार। सतह गहराई अक्ष और रेखा के साथ नंद गोपाल के प्रयोगों का परिणाम अंतराल या स्पेस स्थानांतरण है ना? यही था ना। जी सर, मैंने उन परिवर्तनों को देख मैं उन परिवर्तनों को देखना चाहता था जिन्हें मैं फुलक्रम के साथ अजमा सकता था, देख सकता था कि एक छोर पर कितना वजन लिया जा सकता है। यही लाइन थी। जी सर, आजकल दीपक नहीं क्लास में आ रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम में है? दीपक मेरी आवाज जा रही है? जी सर, आ रही अर्जिता आवाज जा रही है? जी सर, आ रही है। ज्योति क्लास में बहुत दिन बाद आ रही हो? दूसरी ज्योति से कह रहे जी हैं। सर, मेरा फोन खराब हो गया था। चलिए लिखिए। मैं ये भी देखना चाहता था कि मैं अपनी धुरी को कितनी दूर तक विस्तृत कर सकता हूं। कहने का था कि जब हम इनके चित्र मतलब स्कल्पचर्स देखेंगे तो पहले क्या था कि इनका जो फ्रंटल व्यू था, फ्रंटल व्यू इसमें भी है लेकिन उसमें सीधी चीजें की एक स्वरूप के ऊपर हमने सारी चीजें जोड़ी थी, लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि उसको किसी एक केंद्र बिंदु से विस्तार करने वाली प्रक्रिया के रूप में फैला दिया। मतलब कि जैसे हम देखते हैं कि जैसे दो तरीके के बैलेंसिंग होती है, एक सिमेट्रिक होती है एक असिमेट्रिक होती है, तो हमको ज्यादा अच्छी कौन सी लगती है जिसमें संतुलन बनाना पड़े? जैसे कि कोई चीज ऐसी है कि जो कम पॉइंट पे रखी हुई है और उसके ऊपर बहुत सारा विस्तार, तो उसी तरीके का एक नया कॉन्सेप्ट ये इन्होंने सोचा और उसमें किस तरीके से हम इसको कहाँ तक इसकी वृद्धि कर सकते हैं, उस स्वरूप उस चीज को बताने के लिए यहाँ पर ये उपदेश दे रहे हैं कि मतलब जो उसमें क्या था कि कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में एक छोटी सी जगह पे वो केंद्रित था और फिर उसके बाद वो शेप जो है पूरे विस्तार पे मतलब जो हमारा स्पेस है अंतराल है उसके बीच में भ्रमण करता हुआ पूरा अपना स्वरूप ले लेता है। तो ये उस चीज के ऊपर था कि वो हम
धुरी पे किस तरीके से बैलेंसिंग करें कि वो एक धुरी पे सारी चीजें हमारी केंद्रित हो जाए, और उसके द्वारा हम कितने एक्सटेंट तक फैलाव ले सकते हैं उसका, है ना। आज हम सारी इमेजेस डाल देंगे ग्रुप में, कोई कंफ्यूजन हो तो भी डिस्कस कर सकते हैं बाद में भी। कितनी दूर तक फैला सकता हूं, पहले मेरे शिल्प का एक आकार था, पहले मेरे शिल्प का एक आकार था। सर कौन से आर्टिस्ट हैं ये? ये हम लोग लिख रहे हैं, कौन बताएगा कि कौन से आर्टिस्ट लिख रहे हैं? शंकर नंदा गोपाल। एस नंदा गोपाल, शंकर नंदा गोपाल, ठीक है। बहुत दिन बाद क्लास ले रही हो प्रियंका? हाँ सर, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और सर मैं बाहर भी थोड़ी आ गई थी, मैं घर पे। ठीक है, आगे लिखिए। पहले मेरे शिल्प में एक आकार था, और कोई हलचल भी नहीं थी। कोई हलचल भी नहीं थी। अब बहुत सी समरूपता के साथ, अब बहुत सी समरूपता के बाद, बहुत सी समरूपता के बाद एक एक पूंछ जैसी, एक पूंछ जैसी आकृति जो आकाश में उठती है, जैसे कि सर आकाश में उठती है, उठती उठती है जैसे कि जैसे कि एक धड़कते धूम केतु की, एक धड़कते धूम केतु की रेखा को धरते क्या होता है? ये है? धरते क्या होता है जो अपने लिखा रहे हैं? धधकते 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 हो? ठीक है सर। मतलब जैसे जब हम किसी जैसे मतलब कोयले में जब आग लगाते हैं तो उस समय उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन बाद में वो क्या हो जाता, बहुत ज्यादा प्रकाशित हो जाता है, इस तरीके की चीज मतलब जो धधक रहा है मतलब। ओके सर। तो धूमकेतु क्या होता है कि जब ऊपर से गिरता है तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हमको वो एक तारे जैसा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है कि नीचे गिर रहा है, और वो एक रेखा प्रकाश की बनती चली जाती है। उसी के संदर्भ में मतलब अपना बता रहे हैं कि किस तरीके से वो जो
टेल नुमा जो इनकी आकृतियों में नया स्वरूप आया तो वो किस तरीके से है। एक धधकते धूम केतु की, एक धधकते धूम केतु की, एक धधकते धूम केतु की रेखा को, रेखा को रेखा को ट्रेस कर रही हो। ट्रेस को क्या कहते हैं ज्योति? ट्रेस करना। चित्र को जब है रेस हो जाना ट्रेस 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 सर ट्रेसिंग छपाई है छपाई सर छापने वाला पेपर ट्रेस मतलब किसी चीज को उसके जैसा मतलब बनाने का प्रयास करते हैं उसको हम क्या करते हैं कॉपी करते हैं उस चीज से कर रही हो। नंद गोपाल जी ने अपने बात के नंद गोपाल जी ने अपने बात के कार्यों अपने बात के कार्यों अपने बात के कार्यों जैसे जैसे मेमोरी ऑफ जैसे मेमोरी ऑफ ए हीरो मेमोरी ऑफ ए हीरो स्टोन 1985 और गरुण 1986 गरुण 1986 इनमें वे इनमें वे विष्णु के अवतारों इनमें वे विष्णु के अवतारों और सामान्य रूप से विश्व पौराणिक कथाओं में आपका यह स्थानांतरण काया पलट के समान है। काया पलट के समान है। अस्सी के दशक की अंतराल स्थानांतरण या सेप शिफ्टिंग
स्पेस शिफ्टिंग, मूर्तियां स्पेस 50 शिफ्टिंग, शिफ्टिंग स्थानांतरण मतलब कि किस तरीके से, जैसे कि अगर हम देखें पर कि स्कल्पचर में नई नई चीजें आई, किस तरीके से हम उसका रूप विन्यास करते, तो वहां पर उन्होंने पहले एक्सप्लेन किया कि हम कैसे धुरी से उस चीज को पूरे स्पेस में किस तरीके से अंतराल के माध्यम से हम उसको विस्तृत कर रहे हैं। ब्रह्मांड जैसे एक अक्ष रूप में, जैसे कि कोई चीज आपस में मिलती है, जैसे एक वृक्ष है वो नीचे एक चीज से जुड़ा हुआ है, फिर उसका विस्तार अपने तरीके से होता है। उस तरीके से इनका जो अब जो स्कल्पचर्स बना रहे थे उसमें मतलब वो एक जगह से पॉइंटेड होके फिर वो फैलता है पूरे उसमें, उसी चीज के बाद है कि स्पेस शिफ्टिंग मूर्तियां। तो जैसे पेज में का वो होता है ना प्रकाश, उस टाइप की पेंटिंग बना रहे थे ये। अरे तो हम पूरा तुमने प्रिज्म का प्रकाश बोल के सब गड़बड़ कर दिया। प्रिज्म का प्रकाश कैसे है, जैसे एक सनलाइट, जैसे मैंने साइंस में पढ़ा सनलाइट का एक कांच में पड़ा फिर उसकी रोशनी पूरे उसमें फैल गई, उस तरह की पेंटिंग। पेंटिंग बनाते नहीं है पहली चीज, ये स्कल्पचर की बात हाँ, हो रही है। स्कल्पचर मतलब, और विस्तार का मतलब अगर हम प्रकाश के विस्तार की बात करते हैं तो उसका एक अलग अपना तरीका है। ये जो विस्तार की बात चल रही है, ये जैसे कि हम बेल देखते हैं, बेल जो होती हैं पौधों में चढ़ती हैं और वो फैलती हैं अलग अलग तरीके से, उसी तरीके से उस रूप विन्यास के लिए ये अपने स्कल्पचर में पहले क्या था कि एक एकदम कोई चीज ठोस रूप में थी कि सामने से वो चीज हमको पूरी दिखाई देती थी पूरे पूरे एक आकृति के रूप में, लेकिन अब वो क्या हो रही थी कि वो एक जगह से एक धुरी नुमा जगह से निकलते हुए वो ऊपर की तरफ बढ़ती, जैसे कि स्मोक होता है, धुआं क्या करता है, एक एक केंद्रित जगह से निकलता है और वो विस्तार लेता है। उसी तरीके से जो इनका शिल्प था वो एक बिंदु से या एक केंद्र से बढ़ता हुआ एक स्पेस में विस्तार लेता है, कि जैसे कोई चीज कुछ यहाँ से जुड़ी है फिर उससे उससे कुछ और चीजें जोड़ के एक अलग जगह कर दिया, फिर उससे जोड़ के, तो इस तरीके का एक रिदमिक फॉर्म जो क्रिएट करते हैं वो उसके संदर्भ में है कि किस तरीके से वो स्पेस का यूज करते हैं, उसमें किस तरीके से उस स्कल्पचर को विस्तृत करके फैलाव करके उसका एक बृहद आकार देते हैं, ठीक है ना। हाँ, प्रकाश पुंज से कहाँ पहुंच गए, प्रकाश पुंज का फैलाव और उस जो फैलाव बता रहे हैं उन चीज में अंतर है। कहाँ थे, नंद गोपाल जी की उत्कृष्ट कारीगरी, उत्कृष्ट कारीगरी और दुर्लभ शोधन, और दुर्लभ शोधन को प्रदर्शित करती है। दुर्लभ शोधन मूर्तियां के बाद क्या था है? स्पेस शिफ्टिंग मूर्तियां के बाद क्या था? नंद गोपाल जी की उत्कृष्ट कारीगरी सर, अंतराल स्थानांतरण मूर्तियों के बाद क्या है? वही तो बता रहे हैं, नंद गोपाल जी की पूरा सेंटेंस ऐसे है, फिर से सुन लो। 80 के दशक की अंतराल स्थानांतरण या स्पेस शिफ्टिंग मूर्तियां नंद गोपाल जी की उत्कृष्ट कारीगरी और दुर्लभ शोधन, और दुर्लभ शोधन को प्रदर्शित करती हैं, दुर्लभ शोधन को प्रदर्शित करती हैं। ज्योति, ये शोधन से क्या मतलब है? बताओ, सभी के लिए है, कोई भी बता दे। ऑब्जर्वेशन, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो उसमें दिखता है उनके काम में।
सर अच्छा रिसर्च। मत अच्छा रिसर्च है तो परिभाषा को कहीं से ढूंढ लिया क्या उसको? अच्छा रिसर्च मतलब रिसर्च का मतलब है कि जब किसी चीज जो कोई चीजें पहले से ही विद्यमान थी और उनमें से चीजों को हम फिर से दोबारा उसको अपने बिंदु के आधार पर जो हमारी अपनी एक सोच है एक अपनी जो जैसे कि हम रिसर्च में करते हैं एक हमारी हाइपोथेटिकेशन होती है यानी एक हमारा परिकल्पना होती है हम उसके आधार पर चीजों को निरीक्षण करते हैं उसके आधार पर हम उसके लिए डाटा कलेक्ट करते हैं फिर उसको हम अपने रूप संयोजन में लेते हैं। तो उसी तरीके से जो इनका शिल्प था उसके लिए उन्होंने शोधन किया चीजों को देखा प्रभावित ये पहले से ही थे कि पुराने स्कल्पचर्स जो और साउथ के जो मतलब मूर्तियां थी उनको देख के ये मतलब आगे बढ़े साथ में इनको अपने गुरुजनों का साथ मिला तो उससे जो प्रभावित होकर जो उन्होंने वो एक शोध जैसा कार्य किया और उसके स्वरूप के आधार पर मतलब उन्होंने उन मूर्तियों का निर्माण किया। ठीक है ना कि जो माइथोलॉजी से रिलेटेड तो है उन चीजों से मतलब उससे लिए चीज है लेकिन उसका जो अलंकरण है उसका जो रूपांकन है वो बिल्कुल अपने ही तरीके से आज के समकालीन स्वरूप में उन्होंने उन चीजों का मटेरियल उन चीजों की प्रायोगिक चीजें जो हमारे आज के समय में चीजें इस्तेमाल हो रही हैं उनका इस्तेमाल करते हुए कार्य किया। तो जो बिल्कुल एक नई तरीके से लगता है लेकिन जब हम उनको देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं अगर मान लेते हैं कृष्ण है या कुछ इस तरीके की चीजें हैं तो वो मतलब वो हमारी माइथोलॉजी से रिलेटेड है लेकिन उसका जो स्वरूप है वो बिल्कुल आधुनिक अपने नए तरीके से वो इनका शोधन है किस तरीके से उन्होंने उन चीजों को देखा और उसको उसका निर्माण किया। ठीक है उनके 80 के दशक में उनके 80 के दशक में उनकी प्रारंभिक वर्षों की सर दुर्लभ शोधन के बाद बोल रहे थे। दुर्लभ है शोधन शोधन क्या कर दे इसके आगे आपने क्या बोला है? शोधन को प्रदर्शित करती है अस्सी के दशक में उनके प्रारंभिक वर्षों की 80 के दशक में उनके प्रारंभिक वर्षों की उनके प्रारंभिक वर्षों की अर्जिता उसका जरा ध्यान रखना हमें सेंड कर देना ठीक है ओवर होने पे। आवाज जा रही है अर्जिता? ठीक हाँ सर। ठीक प्रारंभिक वर्षों की कुछ अज्ञात जो बाद में गतितात्मक रचनाओं में परिणित हो गए नंदगोपाल जी की मूर्तियों में नंदगोपाल जी की मूर्तियों में हमें व्यक्तिगत स्मृतियों के भाव व्यक्तिगत स्मृतियों के भाव व्यक्तिगत स्मृतियों के भाव नहीं मिलते समानता के समानता
समानता के ऐसे लिख लो परंपराओं की दुनिया भर में प्रचलित समानताओं के साथ कई शताब्दियों की एक प्रमुख तमिल लोक परंपरा है। और अपनी मूर्तियों को इस विरासत के और अपनी मूर्तियों को इस विरासत के विकास और प्रक्षेपण में रखकर और प्रक्षेपण में रखकर आपने वीरता बलिदान त्याग प्रेम पशुओं नदियों और देवताओं के साथ और देवताओं के साथ मिलकर रहने की एक ग्रामीण जीवन को याद करने की याद करने की पवित्रता को निर्धारित किया अपनी पौराणिक कल्पना की अपनी इन मूर्तियों का मतलब है जो अभी इन्होंने जो नए कॉन्सेप्ट में बनाना स्टार्ट किया था, जिसमें कि उन्होंने उस अंतराल स्थानांतरण को लिया, उसके संदर्भ में इनों का मतलब है अपनी इन मूर्तियों में नंद गोपाल जी ने नायकों की
या लिख लो नायक पत्थरों की यादों की आवाज जा रही है जी सर, यादों की व्यवस्था में जानवरों कामा पक्षियों और मनुष्यों को एक छोटी सी छाल और कई जंगली शाखाओं वाले पेड़ के रूप में जोड़ा जैसा कि हम उनकी 1983 की तांबे और पीतल की वेल्डेड मूर्तिकला में देखते हैं। पेड़ मतलब ये एक इनके और स्कल्पचर का नाम है, पेड़ स्टेनलेस सही बोल दिए थे, देखते हैं पेड़ स्टेनलेस स्टील बड़े पैमाने पर विस्तारित आपकी मूर्तियों ने जैसे स्मारक होता है उसी के लिए साथ में जोड़ के नंद गोपाल की मूर्तियों ने स्मारकीयता हासिल की। आपके तीन बड़ी मूर्तियों में से ट्री 1981 नेशनल सेंटर फॉर
नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट मुंबई के संग्रह में एक स्टेनलेस स्टील की मूर्ति अपनी विशेषता को अपनी विशेषताओं को और अधिक निकटता से साझा करती है। वृक्ष अपने एक पैर पर खड़े वृक्ष अपने एक पैर पर वृक्ष अपने एक पैर पर खड़े एक विशाल भ्रंग की तरह दिखता है जिसमें जिसमें एक गाय और एक बकरी है जिसके बीच में ध्वजारोहण के रूप में ध्वजारोहण का उस तरीके से मतलब नहीं ले लेना, एक जाल है तीरों का, ठीक है, के रूप में रखा गया है, जैसा कि
यह आपकी, जैसा कि, यह आपकी मूर्तियों में एक चिरपरिचित, एक चिरपरिचित व्यवस्था है। पेड़ों के या पेड़ के भृंग का शरीर सांपों के सांपों के अचेतन सांपों के अचेतन तत्वों त्रिकोण जाल और एक पहिए से भरा होता है। जो एक आँख जैसा परलिच्छित होता है, आँख जैसा परलिच्छित होता है। जबकि वृक्ष के जटिल जबकि वृक्ष के जटिल जटिल प्रतीकवादी प्रतीकवादी प्रतीकवाद की लाक्षणिक लाक्षणिक माया है। सर आप ठीक है? है? आप सही है सर, आपकी आवाज वैसी हो रही है। वो थोड़ा सा दिक्कत है, तो आवाज वैसी आ रही है। तो आवाज क्लियर है, साफ समझ में आ रही है ना? जी हाँ। क्या लिखा था आखिरी में? लाक्षणिक माया है। ठीक, नंद गोपाल जी अपनी मूर्तियों के लिए नंद गोपाल जी अपनी मूर्तियों के लिए अपनी मूर्तियों के लिए द फिशरमैन
फिशरमैन और संगीतकार द फिशरमैन और संगीतकार जैसे सामान्य लोगों को जैसे सामान्य लोगों को चित्रित करने के लिए अपनी मूर्तियों के चमकदार सतहों का उपयोग करते हैं जो आपके अपने प्रयासों के संदर्भ में नए अर्थ प्राप्त करते हैं रोजमर्रा के ग्रामीण जीवन में रोजमर्रा के ग्रामीण जीवन में सामान्य पुरुषों की गतिविधियों के रूप में सर बस सर ये कल पढ़ा दीजिए आप कल ही पढ़ाते हैं ठीक ठीक है क्लास फिर कल इसी टाइम जी सर नमस्ते सर थैंक यू सर नमस्ते सर नमस्ते